नाम तो सुना होगा। ओके, ये मोटर जो वाइंडिंग है ना, जो मोटर का जो वाइंडिंग है, ये पुलवर मोटर का, इसका 6 वायर निकल रहा है वाइंडिंग से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको वो रेजिस्टेंस पकड़ना है किसमें। तो अक्सर जो वाइंडिंग में जो 6 पॉइंट है, ये होता है U, होता है U1, होता है U2, V1, V2, W1, W2। तो कंटिन्यूटी आपको बताना चाहिए U1, U2 में, V1, V2 में, W1, W2 में, और किसी में नहीं बताना चाहिए। तो ठीक है, तो ये अभी हम लोग पकड़ेंगे कैसे पकड़ना है। तो सबसे पहले है ना, ये है, उसमें लिखा भी रहता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है U1, तो ये U2 है, ठीक है, V1 है, ये V2 है, ये आपका W1 है, और W2 पॉजिट, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले कंटिन्यूटी देखेंगे इसमें, ठीक है, ओके, देख। तो सबसे पहले हमें U1 और U2 में देख रहे हैं, ओके, 2.7, ठीक है, U1 U2 में 2.7, यानी मोटर का वाइंडिंग ठीक है कि नहीं, वो चेक कर रहे, इसमें बता रहा है। आए देखो इसमें ना, बाकी किसी में नहीं बताएगा, देखो किसी में नहीं बताएगा, सिर्फ इसी में बताएगा, ठीक है, ओके। अभी हम लोग चेक करेंगे V1 और V2 में, इससे भी सबको चेक कर लो, किसी में नहीं बताएगा, इसमें बताएगा, ठीक है। ये V1 है, V2 है, ओके, इस तरह से इसका वाइंडिंग पकड़ना है, ऐसे पता करना है कि वाइंडिंग सही है, ओके ओके। बाद में हमारा तीसरा है इससे, इससे ये W1 है, W2 है, पहले सबको चेक कर लूँ, किसी में नहीं बता रहा, ओके, सेम बताएगा, सेम रेजिस्टेंस, चेंज नहीं होगा, तो ये कंफर्म है कि मोटर हमारा ओके है, ओके ओके। एक मिनट, अभी हम लोग इसको कनेक्शन करते हैं, डेल्टा कनेक्शन, क्योंकि नेम प्लेट को फॉलो करना है, और नेम प्लेट में जो लिखा है वो डेल्टा है, ठीक है, नेम प्लेट में जो लिखा है वो डेल्टा कनेक्शन, ठीक, ओके, हाँ ये देखो डेल्टा है, ओके, तो ये इस तरह का ये डेल्टा कनेक्शन ऐसे होता है, ठीक है, ओके, लगा दिए हम, बाद में देखिए, ओके, इस फेस आपको आएगी 3 फेस, आप 3 फेस लगा दीजिए। फेस का भी जो एक बात रहता है, अभी दोनों तरफ से लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, जो रूल्स ये है, जो रूल्स है वो इसको फॉलो करेंगे, आर्थिंग को, आर्थिंग की तरफ से आर स्टार्ट होगा, रेडियल बुल आर्थिंग की तरफ से, तो इसका अर्थिंग किधर है, अर्थिंग है, इधर से शुरू होगा, ठीक है, हाँ, अर्थिंग की तरफ से इसको लगाना चाहिए, रूल्स यही है, ओके, ठीक है, तो कनेक्शन देख लो, ओके, कनेक्शन ओके हो गया, तो ये डेल्टा कनेक्शन है, पहचान लो, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है रेडियल और ब्लू, लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोग इसलिए इंटरचेंज किए, क्योंकि फेस सीक्वेंस इसका मतलब उल्टा घूम रहा था, इसलिए हम लोग ने यहाँ से चेंज किया, ठीक है, क्योंकि वो कस्टमर को वहाँ पर मेन ब्रेकर के पास चेंज में उन लोगों को पसंद नहीं है, रूल्स के हिसाब से उन लोगों का नहीं, वहाँ पर रेडियलो ब्लू ही दिखना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चेंज करके कि मोटर उल्टा घूमता, लेकिन जब भी स्टार्ट करना है ग्रीन, जिस तरफ अर्थ है वहाँ से स्टार्ट करना है, रेडियलो ब्लू होगा, बाद में अगर उल्टा घूम रहा है तो चेंज कर सकते, ठीक है, ओके, तब हम लोग क्लोज करेंगे, फिर चालू करके एक बार चेक करेंगे, ठीक है, ओके। ये गैस्केट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये AHU है ना, चिल वाटर सिस्टम है, तो पूरा फिर पानी मॉइस्चर सब अंदर आएगा, ठीक है, ओके, गैसकेट का इस्तेमाल जरूर करो, हाँ चलिए अच्छी बात, इसका नट बोल्ट ले लो,
ओके हाँ, और सब देखो ग्रीसिंग फील करना है ना, यहाँ से ग्रीस पंप लगा के सर में पूरा होश में ग्रीस पंप लिखा भी है ना, देखो लिखा भी है फील अब ग्रीस करके है ना, तो सब मेंटेनेंस टीम को सब ध्यान देना चाहिए अगर पर ग्रीस व्रीस का है। ब्रेकर में इनपुट है जो ये VFD किससे आ रहा है, हाँ मेन पावर VFD में जा रहा है, ये VFD से यहाँ पर आ रहा है इसीलिए हाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। हाँ ओके 364 है इधर, ओके ओके इसीलिए ठीक है सर। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं HVACAMJADMJ मिला के लिखें और सर्च करें और यहां से आप सब्सक्राइब करें। तुम एक चुटकी मारी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।